माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में कल सजा तय की जाएगी और लीगल एक्सपर्ट की माने तो तकरीबन इस ऐसे मामले में मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह मामला जो है 38 साल पुराना गाजीपुर का बताया जा रहा है, जो सीधे सीधे फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 10 प्रमुख लोगों की गवाही भी शामिल है। लंबे समय तक वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई चली और आज वाराणसी की कोर्ट ने तय कर दिया है कि मुख्तार अंसारी इसमें दोषी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कल वाराणसी का एमपी एमएलए कोर्ट इसमें मुख्तार अंसारी को कितनी सजा सुनाता है, लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी बीते 2 दशक से जेल में बंद है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में कल सजा तय की जाएगी और लीगल एक्सपर्ट की माने तो तकरीबन इस ऐसे मामले में मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह मामला जो है 38 साल पुराना गाजीपुर का बताया जा रहा है, जो सीधे सीधे फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 10 प्रमुख लोगों की गवाही भी शामिल है। लंबे समय तक वाराणसी कोर्ट में इसकी सुनवाई चली और आज वाराणसी की कोर्ट ने तय कर दिया है कि मुख्तार अंसारी इसमें दोषी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कल वाराणसी का एमपी एमएलए कोर्ट इसमें मुख्तार अंसारी को कितनी सजा सुनाता है, लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी बीते 2 दशक से जेल में बंद है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।